एक अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे। आम आदमी की नकल करना बड़ा आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। मार्च में सरकार बनेगी, 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआवजा चला जाएगा। पूरे देश में कहीं से भी अगर खबर आती है कि किसान ने खुदकुशी कर ली तो बहुत तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। आज अगर आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश में किसानों को खुदकुशी करनी पड़ रही है तो ये शर्म की बात है। लेकिन दुख की बात ज्यादा ये है कि तकलीफ मेरे को होती है, तकलीफ आपको होती है, इन नेताओं को तकलीफ नहीं होती, इन पार्टियों को तकलीफ नहीं होती। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धरना चल रहा है, 600 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन इन पार्टियों और इन नेताओं के इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस मंच से मैं एक बड़ा बयान देके जा रहा हूँ। हो सकता है आपको ये लगे केजरीवाल बड़ी बात कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन बहुत हो गया, 70 साल हो गए, इसका मतलब इनकी नीयत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता। पहले कहते थे स्कूल ठीक नहीं हो, दिल्ली में करके दिखा दिया। पहले कहते थे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते थे, दिल्ली में करके दिखा दिया। मैंने कहा मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मेरा मजाक उड़ाते थे ये सारे पार्टी वाले, दिल्ली में करके दिखाई कि नहीं दिखाई। आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा, किसी किसान को हम खुदकुशी नहीं करने देंगे। पंजाब की खेती के बारे में हम सब लोग मिलके पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं 1 महीने बाद फिर आऊंगा, वो सारी प्लानिंग आपके सामने रखूंगा और आपको यकीन दिलाऊंगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। कई लोग मेरे को आते हैं, मेरे को कहते हैं चन्नी साहब आजकल आम आदमी की नकल कर रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूँ, चन्नी साहब आम आदमी की नकल करना बड़ा आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल। वादे करने बड़े आसान है, वादे निभाने बड़े मुश्किल। हम आम आदमी पार्टी वाले वादे करते हैं, वो वादे पूरे भी करते हैं। तो मैं पंजाब की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि भाई जब ओरिजिनल आपके सामने खड़ा है तो फिर डुप्लीकेट को वोट देने से क्या फायदा। और मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूँ कि अगर चन्नी साहब आपको आपकी लागत नहीं देते, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खुदकुशी मत करो। बड़ी तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है, हमें अपना बेटा मान लो, छोटा भाई मान लो। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, सारे पंजाब के किसानों से अपील करना चाहता हूँ, मार्च में सरकार बनेगी, 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआवजा चला जाएगा।